जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है और आज का हमारा दिन है, होंडा N1 प्रीमियम जी के नाम है। ये शेप काफ़ी कॉमन है और ये गाड़ी आपको काफ़ी जगह नज़र आती है। ये गाड़ी हमारे मुल्क में काफ़ी तेज़ी से कॉमन हुई। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जिन प्यारे भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट लाजमी करें ताकि हमें आपकी राय का पता चले। इस गाड़ी के फेमस होने की वजह है कि इसकी गोल लाइटें हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती हैं, और क्योंकि हमारे मुल्क में गोल लाइटों बहुत पसंद की जाती हैं। गोल लाइटें इसी तरह सेम सुजुकी हसलर में भी आती हैं, इसमें भी आती हैं, सुजुकी XB में भी आती हैं। मतलब ये गोल लाइटें का ट्रेंड जो है, और अगर आप इसको कह दें फैशन ट्रेंड बना हुआ है आजकल के डे लाइट ट्रेनिंग चलाई हो, तो इस पर भी कोई गलत बात नहीं है। जहाँ तक बैक का ताल्लुक है तो बैक से भी गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है और फुल ऑफ LEDs है, जो चीज़ें मैं चाहता हूँ, जो चीज़ें मैं मांगता हूँ और जो चीज़ें मैं क्या ये आवाम भी यही मांगती कि यही चीज़ें होनी चाहिए। बैक से भी गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है और देखा जाए इसकी शेप जो है काफ़ी डिफरेंट है और जैपनीज़ गाड़ियों से, और इन्होंने बहुत अच्छा एडिशन किया है। और ये भी मैं बता दूँ, होंडा की N-सीरीज़ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में बहुत कामयाबी से चल रही है। होंडा की N1, N-वैगन, N-बॉक्स, N-स्लैश, N-ट्रक, N-वैन, मतलब आप देखें दुनिया इस तरफ जा रही है। तो हमारे यहाँ क्या जहालत बेची जा रही है कि जी ये गाड़ी होती तो ऑप्शन नहीं होते, गाड़ी होती तो एसेसरीज नहीं होते, और प्राइस बेफजूल में इंक्रीज़ कर दी जाती है विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी एसेसरी एडिड। ड्राइव में गाड़ी वैसे काफ़ी स्मूथ है, और मुझे एक चीज़ इसके बारे में बहुत अच्छी लगती है जो होंडा N-सीरीज़ ने जिस पर बहुत जोर दिया है, एक तो इसकी AC की थ्रो है, AC बहुत तेज़ है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है और आपको पता चलता है। क्लाइमेट कंट्रोल बहुत अच्छा फीचर है, जस्ट आपने गाड़ी स्टार्ट करनी ऑटो दबा देना है, और यकीन माने ये आप सर्दियों में भी आजमाए चीज़, शीशे पे अगर आपके धुंध है कुछ भी है ये ऑटोमेटिकली ख़ुद वो ख़त्म कर देगा, बहुत इफ़ेक्टिव है। और AC इसका बहुत तेज़ है और मल्टी स्टेयरिंग के भी बटन काफ़ी अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं। इसमें ही जो पैकेज आता है उसमें क्रूज़ आता है, बट इसमें नहीं है, ये तकरीबन आपके मल्टी स्टेयरिंग है बट क्रूज़ नहीं है। और हर चीज़ आप देख रहे हैं हाथ के डिस्टेंस पे है, हर चीज़ हाथ के डिस्टेंस पे, जस्ट आपने यहाँ से चाबी ली, पुश किया, गाड़ी चल पड़ती है। LCD गैदर्स का जेन्युइन है, LCD भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इफेक्टिव है, और ये ना ख़राब होने वाली चीज़ें हैं। ये 10-10-15-15 साल चलती हैं, ये ना ख़राब होने वाली चीज़ें हैं। फिर ये काफ़ी लोग पूछते हैं ये ऑटो क्लाइमेट का ये सेंसर लगे हुए हैं, ये सेंस करता है कि गाड़ी को कितना टेम्परेचर चाहिए, आउटसाइड टेम्परेचर क्या, इनसाइड क्या होना चाहिए। चाबी भी देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत स्मार्ट, ये होंडा की हर गाड़ी में यही चाबी आ रही है जो कि बहुत अच्छा फीचर है, और मेरा ख्याल है हमारी लोकल गाड़ियों की मैं यही चाहता हूँ ऐसी चीज़ ये चीज़ें आएँ। इन्हीं चीज़ों के लिए मैं रोता हूँ भाई, इन चीज़ों के लिए मैं कहता हूँ। मुझे नहीं समझ आती ये चीज़ें क्या कोई बहुत महंगी हैं, कोई समझ नहीं आती कि क्यों नहीं आती ये चीज़ें। अगर आप डैशबोर्ड में देखें काफ़ी अच्छा इन्होंने क्रोम का साइड पर यूज़ किया है, जो कि मेरा ख्याल अच्छा फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है। ड्राइवर्स अगर पिक वाइज देखा जाए गाड़ी फ़ौरन पिक पकड़ती है, आप देख सकते हैं गाड़ी फ़ौरन पिक पकड़ती है। ये अभी AC पे है और इस टाइम इसमें चार बंदे बैठे हैं, मगर अगर आप वैसे एक बंदा बैठा हो गाड़ी फ़ौरन पिक पकड़ती है। गाड़ी में मटेरियल की क्वालिटी आपको पता चलती है गाड़ी चला के ही, बटन्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, और ये कि इसकी क्वालिटी, इनकी क्रेडिबिलिटी, क्रोम का काफ़ी अच्छा यूज़ है। और क्रोम भी देखें, ये चीज़ जैसे मैंने पहले बताया गाड़ियों में होती है, ये अगर आपका शीशा ब्लर हो जाए तो उसके लिए होती है, ये यहाँ से इसको कर देता है। बाकी एक एयरबैग देख सकते हैं, कर्टन एयरबैग्स हैं गाड़ी में, इस गाड़ी में तकरीबन इस टाइम 6 एयरबैग हैं, ये दो कर्टन में है, स्टेयरिंग में, डैशबोर्ड में, बाकी दो बैग पे हैं। चलते हुए भी गाड़ी बहुत स्मूथ है, और इस टाइम आप यकीन माने मैं पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ और बहुत ही रिलैक्सिंग है इसकी सीट, और आपको पता चलता है। और गाड़ी में ये कि इसकी सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है एक इसकी गोल लाइटें फ्रंट वाली, और इसकी शेप आप देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी स्मूथ चल रही है, और मेरा ख्याल एक बहुत अच्छी बात है। और ये कि ये लोगों ने पसंद भी काफ़ी की, एक फ्यूल एवरेज की वजह से और एक इसकी शेप की वजह से, क्योंकि आजकल लोग ये शेप्स काफ़ी पसंद करते हैं। जहाँ तक गाड़ी में पैकेजेस का ताल्लुक है तो गाड़ी में ये वाला जो पैकेज है ये होंडा N1 प्रीमियम जी है, ये लोडेड होता है, बट इससे भी लोडेड होता है होंडा N1 टर्बो, जिसको होंडा N1 टोरर बोलते हैं, उसमें आता है पैडल शिफ्टर आ जाते हैं, टर्बो आ जाता है, बाकी सेम एसेसरीज़ होती हैं। LED इस गाड़ी में काफ़ी खूबसूरत है फ्रंट की, और इसके थ्रो भी अच्छी खासी है, ये आपको रात को पता चलता है। में इसी तरह एक N1 सादी होती है, उसकी प्राइस तकरीबन 11-12 लाख रुपये है इस टाइम सादी N1 की, और इसमें ये वाली प्रीमियम जी है ये तकरीबन आप कह लें 14-15 लाख तक पहुँच गई है। इसमें फिर होती है प्रीमियम टोरर होती है, फिर इसमें SS ब्राउन पैकेज होता है, उसमें ये होता है कि SS कूल पैकेज होता है, सॉरी, उसमें फिर ये होता है एसेसरीज का थोड़ा फ़र्क होता है। जहाँ तक एवरेज का ताल्लुक है तो आप देख सकते हैं गाड़ी में 17.9 इस टाइम शोर है, और ये खड़ी गाड़ी है, ये काफ़ी देर खड़ी रही है जिसकी वजह से शोर है, बट ये कि आप चलाएँगे
एवरेज 18+ जाती जाएगी, जो कि मेरा ख्याल है बहुत अच्छी फीचर है, बहुत अच्छा बात है। बस ये है कि इसमें हाई ऑक्टेन ज़रूर यूज़ करें, लाजमी यूज़ करें। जो लोग नहीं डलवाते उनका फिर कैट चोक हो जाता है, मिसिंग के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लाजमी आते हैं। ड्राइव करके भी गाड़ी ये है कि काफ़ी वैसे स्मूथ है ओवरऑल। ये है कि इसकी कटिंग, इसकी ब्यूटी, खूबसूरती, मतलब आपको ड्राइव करते हुए एक अच्छी फील आती है, जो कि एक अच्छी गाड़ी में होनी चाहिए, लाजमी है, बिल्कुल है। और मैं यही लोगों को कहता हूँ, आप जैपनीज़ गाड़ी ने लोकल गाड़ी, छोटी लोकल गाड़ी की जहालत से बाहर आएँ। आप देखें दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ जा रही है, दुनिया फ्लाइंग कार्स की तरफ जा रही है, और हम लोग यहाँ जी मैनुअल गियर का मतलब क्या मैं कह सकता हूँ। हर चीज़ आप देख रहे हैं, हर चीज़ जस्ट आपके ये हाथ के डिस्टेंस पे, हर चीज़। आपने एसी का करना है, कोई मसला है, जस्ट ऑटो एक दफ़ा आपने दबाना है, कोई ज़रूरत नहीं बार बार कोई चेंज करने की, जस्ट एक दफ़ा। इंडिकेटर का करना है, वो एक दफ़ा। ये सेंसर है, काफ़ी लोग पूछते हैं क्या चीज़ है ये सेंसर है इसका। जहाँ तक डिग्गी का ताल्लुक है तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन है कि डिग्गी इसकी काफ़ी छोटी है, स्पेस नहीं है, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ह्यूज स्पेशियस डिग्गी है। और मैं भी बड़ा सरप्राइज हूँ इस चीज़ में कि जैपनीज़ हर चीज़ का ख्याल करते हैं। आप ये नहीं कह सकते, वो हर चीज़ सोचते हैं, आप देखें हर चीज़ उनके जहन में है। और स्टेपनी, जहाँ तक ताल्लुक है स्टेपनी, इस गाड़ी में नहीं आती, एयर पंप आता है और लिक्विड आता है, जो कि आपकी गाड़ी अगर खुदा ना करे पंचर हो जाए तो उसको वो सपोर्ट करता है। जहाँ तक साइड का ताल्लुक है तो गाड़ी की साइड भी काफ़ी खूबसूरत है, एरोडायनेमिक है। और एक और बात बता दूँ, क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, 4 से 5 बंदे बैठे हों गाड़ी नहीं लगती, ये आजमाई हुई बात है। और क्योंकि खुद मैंने पर्सनली ये गाड़ी 1 साल रखी है, इस गाड़ी ने मुझे कोई तंग नहीं किया। जहाँ तक लेग स्पेस का ताल्लुक है तो लेग स्पेस भी गाड़ी में काफ़ी खुली डुली है, और आप देख सकते हैं ये अगली सीट जो है ये फुल पीछे, और मैं इजी होके रिलैक्स होके मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई तंगी नहीं है। और दरवाजे की बात की जाए तो काफ़ी सॉफ्ट है, टिंटेड ग्लास, फैमिली प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। क्रोम का यूज़ काफ़ी अच्छा किया हुआ है, और साथ में आप देख सकते हैं ये भी इन्होंने जो फैब्रिक है दरवाजे में बहुत अच्छा है, और इसकी क्वालिटी आपको पता चलती है। सबसे अच्छा जो मुझे इसका सेफ्टी फीचर लगता है, ये साइड कर्टन एयर बैग, मतलब ये सेफ्टी के लिए यही चीज़ें होती हैं भाई। दुनिया इस तरफ जा रही है, आप देखें ये पैसेंजर के लिए, पैसेंजर के लिए। और ये हैंडल इसके काफ़ी सॉफ्ट हैं, जो कि अच्छी बात है। गाड़ी की खूबसूरती, गाड़ी की ब्यूटी और गाड़ी की रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाड़ी बहुत अच्छी है। और इस टाइम तो तकरीबन आप कहें ये अगर 14 मॉडल हो प्रीमियम जी में, तो इसकी प्राइस 14.5 से 15 लाख रुपए है वाइट कलर में। दूसरे कलर हों तो वो आपको तकरीबन 13, 13.5, 14 लाख रुपये के वो मिलते हैं। मैं वैसे बहुत हैरान हूँ कि इस गाड़ी ने बहुत तेज़ी से हमारी मार्केट में जगह बनाई है, और एक बहुत अच्छी बात है, लोगों ने इसे पसंद किया है, लोगों ने लोकल गाड़ी की जहालत से लोग बाहर आए हैं, लोगों ने मतलब ये कि माइंडसेट चेंज किया है। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो ये गाड़ियाँ जैपनीज़ लेते हैं, और मैं और भाइयों को भी कहता हूँ कि जैपनीज़ आप एक दफ़ा चलाएँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब जैपनीज़ गाड़ी आप चलाएँ, आप यकीन माने लाइफ चेंज हो जाती है। और एक ये बात भी सच है, आप अच्छी गाड़ी में बैठें, अच्छी जैपनीज़ गाड़ी में बैठें, आपको कॉन्फिडेंस आता है। आप अच्छी जैपनीज़ गाड़ी में बैठे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का होंडा N1 प्रीमियम जी 2014 मॉडल का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की जो इसके बारे में फैक्ट्स हैं बताऊँ। अभी भी काफ़ी चीज़ें स्टिल मिसिंग होंगी, कुछ टाइम की वजह से, कुछ धूप की वजह से, कुछ कैमरे की ब्लरनेस की वजह से, बट आई ट्राई माई बेस्ट। और मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। और ये मैं बता दूँ, ये चीज़ें जो मैं शेयर करता हूँ ये मेरे पर्सनल रिव्यूज़ होते हैं, पर्सनल रिमार्क्स होते हैं, आवाम के नहीं होते। क्योंकि आवाम का रिव्यू करें तो हर बंदे की अलग राय होती है, हर बंदे का अलग होता है। बट मैं वही कहता हूँ जो मुझे लगता है, जो मेरा फील होता है, जो मुझे फीलिंग होती है, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है। बाकी यही कहता हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको इंशाल्लाह ऐसी अच्छी और वीडियोस लाते रहेंगे। और कमेंट लाजमी करें ताकि राय का पता चले, और आपके जो हमें ये के ख्यालात का भी पता चले कि आप क्या चाहते हैं हमसे। और एडिशनल चीज़ें ज़रूर कमेंट्स में लिखें, आपको पता मैं कमेंट्स का फ़ौरन जवाब देता हूँ। फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी यही है कि कुछ चीज़ हो लाजमी डिस्कस करें, नेगेटिव प्लीज़ कमेंट ना किया करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। बाकी यही है कि दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।